ओम शांति। आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 6 अक्टूबर की ईश्वर प्रदान की। हाँ, मैं जानता हूँ एक एक दिन थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि हमारा फेस्टिविटीज चल रही है और कुछ इंपॉर्टेंट काम भी चल रहे हैं। तो इस कारण से हम जैसे फेस्टिविटीज़ ख़त्म होती हैं 9th को यहाँ पे दार्जिलिंग में फेस्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं पूरे तरीके से, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना रेगुलर वर्दांस उसी डेट के उसी दिन मिलेंगे आपको। तो आगे चलें। परमात्मा कहते क्या है? परमात्मा चाहते हैं कि हमारे पर एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके पूरी दुनिया को चेंज करें। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर क्यों है? क्योंकि परमात्मा कहते हैं तुम सबसे बड़े बच्चे हो। अब ये कैसे पता करें कि हम सबसे बड़े बच्चे हैं कि नहीं है? सबसे बड़ा बच्चा मतलब कोई साइज में या हाइट में या एज में नहीं। हाँ, हम एंसेस्ट्रल सोल्स हैं, इस ड्रामा में बहुत पहले उतरे थे हम। ये कैसे पता चलेगा? जब आप 7 डेज का कोर्स करेंगे आपको पता चलेगा ये दुनिया बनी कैसे, कब से बनी, कौन इस धरती पर पहले उतरे थे, विच सोल्स, कौन सी आत्माएं परम धाम को छोड़ करके नीचे आई थी इस दुनिया में नाटक करने के लिए, सबसे पहले वाली सोल्स। हाँ, एडम ईव सुना होगा आपने, लेकिन एडम ईव सिर्फ अकेले नहीं आए थे, उनके साथ लाखों लोग थे उस समय। ये प्रूफ के साथ में आपको बताया जाएगा। प्रूफ मतलब कोई लिखित प्रूफ नहीं, लेकिन हाँ आप खुद ही अपने इंटेलेक्ट से, अपने समझ से आप समझ पाएंगे। तो देखें, परमात्मा कहते क्या है हम एंसेस्ट्रल सोल्स को? परमात्मा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति द्वारा। दृष्टि मतलब विजन है ना, किसी के प्रति हमारी दृष्टि खराब हो सकती है, किसी के प्रति हमारी दृष्टि अच्छी हो सकती है। ये है ही ऐसा, अपवित्र दृष्टि ये बहुत अच्छा करेगा लाइफ में, पवित्र दृष्टि। वृत्ति एटीट्यूड, कोई सिचुएशन आई उसके प्रति एटीट्यूड। दो लोग खड़े हुए, आगे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई बोलता है नहीं हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरा बोलता है अरे हमेशा ही ऐसी हालत होती है क्या करें मेरे साथ ही ऐसा होता है। एटीट्यूड का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भवा। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। एटीट्यूड से दुनिया में भ्रष्टाचार के बिना कुछ हो नहीं सकता। जब तक आप 2 लोगों को 5 लोगों को पैसे नहीं खिलाओगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा, या झूठ बोले बिना आगे बढ़ नहीं सकते, या झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में क्या करें नहीं तो फिर आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सोच बन चुकी है हम लोगों की। परमात्मा चाहते हैं कि ये सोच चेंज होनी शुरू हो और चेंज होगी हमारे साथ में। हाँ, इसके साथ में प्रोटेक्शन भी आती है कि हाँ ऐसे नहीं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आप आ जाओ जो कि झूठ बोल के आगे बढ़ता है तो आप भी बोलो नहीं नहीं आप सब कुछ अपना खोल दो उसके सामने। नहीं, सब कुछ नहीं उसके सामने आपको खुलासा करना है, आपको प्रोटेक्ट भी करना है और साथ साथ में आपको सत्य की राह पर चलना है। जब आप ट्रूथ हो तो आपको ट्रूथ का पता चल जाएगा, अगर आप झूठ हो तो आप झूठ को पहचान नहीं पाओगे। ये राज है। अगर आपके अंदर लोभ है तो आप लोभी इंसान को पहचानना आपको मुश्किल हो जाएगा। आपके अंदर अहंकार है तो अहंकारी इंसान को पहचानना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके अंदर नम्रता है तो आप फटाफट पहचान लोगे कि ये अहंकार है और वो आपको प्रोटेक्ट करता है, जिसको कहते हैं परखने की शक्ति। परमात्मा फिर आगे कहते हैं आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। मेडिटेशन से, सोच से हम चेंज होंगे तो दुनिया चेंज होगी। 5 तत्व चेंज होंगे, आपका फिजिकल बॉडी भी चेंज होगा, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपकी श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। अभी क्या है, भ्रष्टाचारी कहते हैं लोग, उससे क्या बन जाएगी, श्रेष्ठाचारी दुनिया। लेकिन क्या चीज से? हमारे कर्मों के द्वारा दुनिया बन रही है। ऐसी जिम्मेवारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे हो भविष्य के ताजधारी बनते हो। तो जब तक दुनिया में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है तब तक वो लीडर नहीं बनता है लाइफ में। अगर हम भी परमात्मा, अगर कोई हमें लीडरशिप की क्वालिटी हमें देख करके हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि भाई तुम चेंज हो तो मैं तुम्हारे साथ में सारी तुम्हारी दुनिया को चेंज कर दूँ, भ्रष्टाचार खत्म कर दूँ, लाचारी खत्म कर दूँ, बेबस हुए हुए लोग उनको मैं मुक्ति दे दूँ। लेकिन वो स्टार्ट होता है हमसे, क्योंकि वो सबसे पहले माता पिता किसको बोलते हैं, बड़े बच्चे को बोलते हैं तुम चेंज होगे तुम्हारा छोटा भाई चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बड़े भाई चेंज हो जाएंगे तो हमारे और भाई बहन भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट होता है हमारे साथ। कैसे होता है स्टार्ट हमारे साथ? ब्रह्म कुमारी इसका कोर्स करिए, अप्लाई करके 7 डेज का आप सब समझ जाएंगे। देर मत करिए, टाइम ज़्यादा नहीं है। इसके साथ ओम शांति।